इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट। अब एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम में थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप कर गया है। तो चलो पहले इसका हम बना लेते हैं, n इज इक्वल टू वन, यहाँ से n इज इक्वल टू टू, और ये n इज इक्वल टू थ्री, और ये n इज इक्वल टू फोर, और ये n इज इक्वल टू फाइव। चलो इतना हमारे लिए बहुत है। कहता है थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप किया और हाइड्रोजन एटम है, जेड की वैल्यू वन है, तो चलो थर्ड से जंपिंग करा देते हैं थर्ड से सेकेंड में। तो थर्ड से सेकेंड में जंपिंग हो गया ये वाली ट्रांजिशन, तो कुछ एनर्जी निकली होगी। इट इमिट ए फोटोन, यहाँ से जो फोटोन इमिट हुआ उसकी वेवलेंथ लैम्डा है, ऐसा ये कह रहा है। कहता है व्हेन इट जंप फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू थर्ड कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ। अब फोर्थ से अगर थर्ड में जंपिंग हुआ, फोर्थ से थर्ड में अगर जंपिंग हुआ, तो जो नया वेवलेंथ जनरेट हुआ दैट इज लैम्डा डैश मान लेता हूँ, ये लैम्डा डैश हम लोग को निकालना है, कैलकुलेट करना है। अब इस क्वेश्चन को देखो, 50-50 भी, 50-50 वाला रूल जो मैं बताता हूँ, 50-50 ऑप्शन में भी कर सकते हो बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट। क्योंकि अगर मैं इधर से, हम सबको पता है इधर से ग्राउंड से ऊपर जाते हैं तो टोटल एनर्जी तो इंक्रीज होती है, लेकिन कंजुगेटिव एनर्जी डिफरेंस, ये जो एनर्जी का डिफरेंस है, ठीक है, दो ऑर्बिट के बीच एनर्जी का जो डिफरेंस है डेल्टा ई, ये जो चीज़ होती है वो डिक्रीज होती है, डेल्टा ई जो होती है वो डिक्रीज होती है और टोटल एनर्जी इंक्रीज होती है, लेकिन कंजुगेटिव एनर्जी डिफरेंस डिक्रीज होती है। तो कंजुगेटिव अगर एनर्जी डिफरेंस डिक्रीज होती है, तो देखो थ्री से टू में जंप हुआ है तो यहाँ से ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, और अगर फोर से थ्री में जंप हुआ तो उससे कम एनर्जी निकली होगी। तो जो लैम्डा है दैट इज एनर्जी, डेल्टा ई इज इक्वल टू जो भी एनर्जी जनरेट, एच सी अपन लैम्डा होता है। तो अब जब फोर से यहाँ से, जब फोर से थ्री में जंपिंग होगी तो कम एनर्जी जनरेट होगी, तो लैम्डा क्या होगा, कम होगा। तो सॉरी, एक कम एनर्जी जनरेट होगी तो लैम्डा क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब लैम्डा डैश विल बी ग्रेटर देन लैम्डा, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस कम है जबकि इसका एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस कंजुगेटिव ऊपर से जाते हैं तो घटता चला जाता है। तो लैम्डा डैश लैम्डा से कम होगा, मतलब ये ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकता। रेशियो मतलब लैम्डा डैश अपन लैम्डा रेशियो मस्ट बी ग्रेटर देन वन, रेशियो वन से अधिक होगा ये, तो ये भी कभी सही नहीं हो सकता जो कि एक से कम है। तो ऑब्वियसली देखो, ये या तो ये सही है या तो ये सही है, ठीक है, ये 50-50 अपने कॉन्सेप्ट से हम लोग कर लिए, और ये कॉन्सेप्ट सीख लो, याद कर लो। बहुत सारे क्वेश्चन बिना, जहां लोग स्ट्रगल करेंगे, जहां जो नॉर्मल लोग हैं वो स्ट्रगल करेंगे, और तुम क्या करोगे, तुम उनसे बहुत आगे निकल जाओगे बस यूं एक लाइन में क्वेश्चन करके। तो ये कॉन्सेप्ट याद कर लो, मतलब याद क्या करना यार, वो मतलब समझ लो। तो ये अब यहाँ से एक्चुअली 50-50 वाला रूल तो लग गया, पर हमारे पास दो ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पर तो हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, हम लोग कैलकुलेट करना जानते हैं। तो लगा देते हैं दोनों ट्रांजिशन के लिए, वन अपन लैम्डा पहले के लिए देखो, वन अपन लैम्डा इज इक्वल टू वन अपन लैम्डा, यहाँ से अगर देखोगे तो रिकबर एक कॉन्स्टेंट आर और हाइड्रोजन है, तो जेड की वैल्यू वन हो गई, और वन अपन कहाँ से कहाँ जंपिंग हुआ, फर्स्ट में फोर माइनस वन अपन नाइन, क्लियर है सबको, ये समझ में आ गया। थ्री से टू में लगाया, फोर का स्क्वायर और थ्री का स्क्वायर, तो वन अपन लैम्डा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आर, और यह आ जाएगा फाइव, और यह आ जाएगा 36, मतलब लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 36 अपन फाइव आर, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड में फोर से थ्री में जंप हुआ है, तो फोर से अगर थ्री में जंप हुआ है, तो अगर फोर से, चलो फोर से थ्री में जंप हुआ तो वन अपन लैम्डा डैश की जो वैल्यू आ जाएगी रिकबर कॉन्स्टेंट वन अपन थ्री का स्क्वायर नाइन माइनस वन अपन ये फोर का स्क्वायर ये 16, ठीक है, एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर। तो लैम्डा डैश की जो वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों, यहाँ से वन अपन लैम्डा डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आर, और ये 16 ए आर, और ये 16 माइनस ये 7 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाई 9 मतलब 144। तो चलो लैम्डा डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो 16 मल्टीप्लाइड बाई 9
और यह आ जाएगा 7R, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब किसका किसका रेशियो पूछा था, वो लैम्डा डैश की वैल्यू पूछा था, तो लैम्डा डैश की जो वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा डैश वो आ जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाई 9 और 7, और R की वैल्यू यहाँ से निकाल के रख दो, तो R की वैल्यू निकाल के रख दोगे तो ये आ जाएगा 36 और मल्टीप्लाइड बाई 5 लैम्डा, ठीक है। तो इसको काट लो, 4 टाइम्स कट जाएगा और ये 4 टाइम्स कट जाएगा, मतलब लैम्डा डैश आ जाएगा 20/7 लैम्डा। अब देखो एक से अधिक ही आएगा जो, तो अभी यहाँ तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पर बहुत सारे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे भी कर सकते हो। मतलब ये हुआ कि हम लोगों का, प्यारे बच्चों ये ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन सही है।